अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद 3 बार संभाला। वे हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। अनेक गुणों से संपूर्ण अटल बिहारी वाजपेयी का प्रारंभिक जीवन परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में माता कृष्णा वाजपेयी, पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर में हुआ था। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वे अध्यापन कार्य तो करते ही थे, इसके अतिरिक्त वे हिंदी व ब्रज भाषा के सिद्ध हस्त कवि भी थे, जिनसे प्रेरणा लेकर अटल जी भी बहुमुखी प्रतिभा के कवि बने। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर अटल जी के जीवन की दिशा ही बदल गई। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ साथ कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी प्रारंभ की, लेकिन उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। वाजपेयी अपने पूरे जीवन अविवाहित रहे, लेकिन उन्होंने लंबे समय के दोस्त राजकुमारी कौल और बीएन कौल की बेटी नमिता भट्टाचार्य को गोद लिया। दत्तक पुत्री नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य अटल जी के साथ ही रहते थे। राजनीतिक जीवन। वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकतंत्र के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया।
इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। यह सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ। पाकिस्तान से संबंधों में सुधार की पहल। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक एक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कारगिल युद्ध। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेश मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्यवाही करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस युद्ध में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारतीय सेना को जान माल का बहुत नुकसान हुआ और पाकिस्तान के साथ शुरू किए गए संबंध सुधार एक बार पुनः शून्य हो गए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई व मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया। ऐसा माना जाता है कि अटल जी के शासनकाल में भारत में जितनी सड़कों का निर्माण हुआ इतना केवल शेरशाह सूरी के समय में ही हुआ था। कवि के रूप में अटल जी। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी को काव्य रचनाशीलता एवं रसास्वाद के गुण विरासत में मिले थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वे ब्रजभाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण उनकी रगों में काव्य रक्त रस अनवरत घूमता रहा है। उनकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। इसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक की तरह उनका भी ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर ही गया। वास्तव में कोई भी कवि हृदय कभी कविता से वंचित नहीं रह सकता। अटल जी ने किशोरावस्था में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जिससे यह पता चलता है कि बचपन से ही उनका रुझान देश हित की तरफ था। अटल जी के भाषणों का ऐसा जादू है कि लोग उन्हें सुनते ही रहना चाहते हैं। उनके व्याख्यानों की प्रशंसा संसद में उनके विरोधी भी करते थे। उनके अकाट्य तर्कों का सभी लोहा मानते थे। राजनीति के साथ साथ समष्टि एवं राष्ट्र के प्रति उनकी व्यक्तिगत संवेदनशीलता सदैव प्रकट होती ही रही है। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनशील परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन आदि अनेक आयामों के प्रभाव एवं अनुभूति ने काव्य में सदैव ही अभिव्यक्ति पाई। विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह ने अटल जी की चुनिंदा कविताओं को संगीतबद्ध करके एक एल्बम भी निकाली थी। मृत्यु। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2009 में दिल का एक दौरा पड़ा था, जिसके बाद वह बोलने में असक्षम हो गए थे। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्या ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शांतिवन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैकड़ों नेतागण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उनके निधन पर दुख जताया गया। अटल जी की अस्थियों को
देश की सभी प्रमुख नदियों में विसर्जित किया गया। अटल जी की प्रमुख रचनाएं, उनकी कुछ प्रमुख प्रकाशित रचनाएं इस प्रकार से हैं: रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्यों का संग्रह, कैदी कविराय की कुंडलियां, संसद में तीन दशक, अमर आग है, कुछ लेखक कुछ भाषण, सेक्युलरवाद, राजनीति की रपटीली राहें, बिंदु बिंदु विचार, मेरी 51 कविताएं आदि। अटल जी की टिप्पणियां, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की, नपी तुली और विचार मग्न टिप्पणी करने में अटल जी कभी नहीं चूके। उन्होंने कहा है, भारत को लेकर मेरी एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख भय निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। क्रांतिकारियों के साथ हमने न्याय नहीं किया, देशवासी महान क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं। आज़ादी के बाद अहिंसा के अतिरेक के कारण यह सब हुआ। मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं, वह हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है, वह निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। पुरस्कार 1992 में पद्म भूषण, 1993 में डीलिट कानपुर विश्वविद्यालय से, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, 2014 में डीलिट मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रदत्त और भारत रत्न से सम्मानित। आपको ये जीवन परिचय कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगला जीवन परिचय आप किस पर चाहते हैं ये भी बताएं।